अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजीहा जाफरी। आज मैं आप लोगों को दो तरह के फ़िश बनाना सिखाऊंगी। एक वो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, और वो एक वो जो हरे मसाले की मछली होती है। यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ले ली, जिसमें मैं अब आप लोगों को तो और मैंने हाफ हाफ पीसेस करके इसके अलग अलग सेपरेट कर लिए, ताकि हम दो तरह की मछली बनाएं। जिसमें अब ये मैंने इसका पेस्ट बना लिए, ये कौन कौन से मसाले हैं हरा मसाला। इसमें मेरे पास हैं जो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, मैंने डाले थे अजवाइन, हसबे जायका और साबुत धनिया, और मैंने डाला था जीरा। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर डाला था सब्जी मिर्चें हरी, और धनिया पुदीना लिया था, अदरक लिया था और लहसुन लिया था। उनका मैंने पेस्ट बना के, अब पेस्ट की शक्ल जो हमारे पास आई है वो ऐसी आई है। उसके बाद मैंने अब ये सेपरेटली लेमन जूस एंड सिरका मेरे पास, साथ ही हमारे पास हाफ के जी दही है, और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास वो हैं हसबे जायका नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, और हाफ टेबल स्पून हमारे पास है काली मिर्च, 2 टेबल स्पून हमारे पास है साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये मछली मसाला है जो हमारे पास बाज़ार में इजीली अवेलेबल होता है। साथ ही ये 2 टेबल स्पून हमारे पास लाल मिर्च है। अब ये सारे मसाले मैं आपको इसमें मिक्स करना चाहूँगा। अब इसमें मैंने ये 1 लेयर हरे मसाले की लगाई है, साथ मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने मछली मसाला डाल दिया था। अब मैं 1 लेयर फिश के रख दूंगी इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट मैं दोबारा वही करूंगी, इसके हरा मसाला रखूंगी इसके ऊपर। लेयर बाय लेयर ये रेडी करेंगे, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं दही ऐड कर दूंगी। अब हम इसे 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब जो ये मसाले हमने लिए थे, जो हमारे पास हल्दी थी, नमक था, काली मिर्च थी, गरम मसाला था और फिश मसाला था ना, उन सबको ऐड करके हम अच्छे से और इनके अंदर डाल देंगे, और इसे 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर ये जो हमारे पास फ़िश है वो पानी छोड़ दे, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल हो, कॉर्नफ्लोर में से या आटे में से, उन दोनों में से हम कोई एक चीज़ डाल दें, और इसके अंदर अच्छे से हल करके उसे मैरिनेट होने के लिए रख दें, तो ये फ़िश पानी नहीं छोड़ेगा। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, कॉर्नफ्लोर है या आटा है, तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजीहा जाफरी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फिश जो कि बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। पहले मैंने आप लोगों को हरे मसाले वाली फ़िश बताई है, अब मैं आपको बाज़ार वाली सिखाऊंगी। हरे मसाले वाली फ़िश में मैंने सिर्फ क्या कहते हैं उसमें, इस वाली में जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें थे वही इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। सिर्फ उसके अंदर मैंने डाल दिया था हरा धनिया पुदीना और मिर्चें, हरी मिर्चें। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा पुदीना और हरा धनिया नहीं आएगा, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वही वाले ऐड अप होंगे। दही ऐड होगी, अजवाइन और जीरा, नमक, मिर्चें और फिश मसाला, काली मिर्च, फूड कलर और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें यही ऐड होंगी। अब ये देखें, और मैरिनेशन भी इनकी अब मैं आपको बताऊँगी। पहले ये सारी लेयर
हम जो मैंने मसाला तैयार किया था उसके डाल दूँगी। नेक्स्ट मैं डालूँगी इसके अंदर लेमन जूस। लेमन जूस के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले मिक्स करके, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे और अब भी बताए हैं। हरा धनिया था इसमें, ये सब कुछ ऐड करके उसके ऊपर हम फिश की लेयर रखेंगे। फिश लेयर के साथ इसके ऊपर दोबारा से हम मसाले ऐड करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से जश्न मिलादुन नबी मुबारक हो। आज हम सब घर पे थे, सब फैमिली इकट्ठी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अच्छे अच्छे खाने बनाए जाएँ, तो इसीलिए ये सब हम रेडी कर। ये दोबारा एक लेयर फिश की आ जाएगी और मसालों की आ जाएगी। हरी मिर्च मसाले में उसमें हमने तो ये डाल दिया था कि उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना ऐड कर दिया था। अब इनके बजाय हम सिर्फ लाल मसाले यूज़ करेंगे। नाउ यू कैन सी अब ये फ्राई हो रही है, हम इसे डीपली फ्राई करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम जितने घंटे इसे देंगे ये उतनी अच्छी और मज़ेदार फिश बनेगी। मैंने इसे 3 घंटे मैरिनेट होने के लिए दिए और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आई होप ये बहुत अच्छी बने, बहुत मज़ेदार लग तो रही है। आप लोग भी एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। अब ये हम दूसरा जो मैंने आपको रेड मसाले वाली मछली बताई थी ये मैं वो फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने ये ग्रीन चिली वाली मछली फ्राई की थी। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। ये रात की चाय के साथ, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। जिसे चाय के साथ खानी है वो चाय के साथ खाए, जिसे कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खानी है वो कोल्ड ड्रिंक के साथ ले सकता है। नाउ यू कैन सी हमारी फ्राइड फिश तैयार है। आप इसे रायते के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के आगे शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे देते रहा करें। और हाँ, जिससे जो चीज़ पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ कोई और न्यू डिश शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।